तो गाइस अभी लगभग मैं 2 किलोमीटर चढ़ाई का रास्ता। तो अभी हम सलूड गांव में अभी जा रहे हैं, तो यहां से थोड़ा मिठाई लेंगे हम और जाएंगे मोल्टा की ओर। भाई आज हम थोड़ा मोल्टा की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ओ तेरी का मैं गिर गया था। तो देखिए मेरे पास तेल भी नहीं था, तो अभी थोड़ा ही है। उस दिन जिस दिन मैं नीचे से आया, ब्लॉग में देखा होगा, तो उस दिन भाई निकल सारा तेल निकाल दिया था। तो जितना भी होगा मैंने दोस्त को फ़ोन कर रखा है, वो लेने के लिए आ जाएगा तेल ले करके। तो चलते हैं आज थोड़ा भाई जोशीमठ और मोल्टा की ओर जा रहे हैं हम। तो दिखाते हैं हम आपको मोल्टा विलेज। तो अभी हम मारवाड़ी पुल में हैं, यहाँ पर देखिए। तो भाई आज मौसम भी बहुत ही बेकार है और मुझे जाना है मोल्टा। तो देखिए यहाँ पर, तो अभी यहाँ से थोड़ा मिठाई लेंगे और ये रही यहाँ पर मारवाड़ी होटल में और मिठाई की दुकान है। तो यहाँ से थोड़ा मिठाई लेंगे हम और जाएंगे मोल्टा की ओर। तो अभी हम सलूड गांव में अभी जा रहे हैं। तो ये रहा सलूड गांव का प्रवेश जो गेट है। तो यहाँ से देखिए देहरादून, यहाँ से आपको दिख रहा है 288 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ऋषिकेश श्रीनगर है आपका 140, और डोंगरा 6 किलोमीटर जो कि ऊपर है पैनी यहीं से, और गढ़ी भवानी माता जी का मंदिर यहीं से है। ये रहा, तो अभी जा रहे हैं हम सलूड गांव में। तो अभी गाइस हम सामने जो सलूड गांव है, तो उसके सामने अभी हम हैं पहाड़ में। तो देखिए आप गांव भाई आज बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऊपर देखिए बर्फ़ पड़ी है और नज़ारे भाई आज कुछ इस तरह के हैं। तो अभी हम गढ़ी भवानी माता जी के मंदिर में हैं। तो ये रहा प्रवेश द्वार यहाँ से, और सामने देखेंगे काफ़ी सुंदर पहाड़ हैं, और नीचे देखिए कंपनी है, और ये है पैनी गांव। यार सामने आपको दिख रहा है वो है झड़कुला, और देखिए पैनी। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर सा नज़ारा। तो यहाँ से गाइस सभी चीज़ दिखते हैं, और मंदिर में देखिए काफ़ी सुंदर सी घंटी बंधी है, और सामने ये उर्गम वैली का कुछ नज़ारा आपको दिख रहा है ये देखिए। तो अभी रोड कटिंग चल रही है और माता जी का मंदिर ये है देखिए। तो काफ़ी सुंदर अच्छा लग रहा है, मौसम भी आप काफ़ी सुंदर है। तो चलते हैं सलूड गाँव की। ब्लॉग भी तो उड़ोन में देखिए गाइस, भाई बहुत ही भयंकर वाली बर्फ आ गई है। तो मेरे हाथ देखिए तो बहुत ही नीले हो गए हैं, और बाइक मैंने यहाँ पर लगा दी है, और ये देखिए बहुत ही सुंदर बर्फ पड़ी भाई। ठंडा तो लग रहा मुझे, बहुत ही भयंकर वाला ठंडा लग रहा है। तो ये देखिए भाई बहुत ही भयंकर बारिश आ गई है, और हाथ भी भाई बिल्कुल ही नीले पड़ गए हैं। तो भाई देखिए, तो पहाड़ों में कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है ये देखिए। तो देखिए गाइस, भाई सांस भी फूल रही है, वो रही नीचे रूढ़ सामने दिख रही, और भाई अभी बहुत ही भयंकर वाली बर्फ़ पड़ गई है। तो देखिए अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो भाई हाथ भी बहुत ही वो ठंडे हो गए हैं ये देखिए, नीले पड़ गए हैं। तो कहीं पर यहाँ पर बैठने के लिए भी नहीं है, तो बहुत ही भयंकर आ रही है बर्फ़ देखिए। और ये देखिए नज़ारे खूबसूरत स्नोफॉल। गाइस अभी लगभग मैं 2 किलोमीटर चढ़ाई का रास्ता चढ़ चुका हूँ, और देखिए बहुत ही भयंकर बर्फ पड़ रही है। तो ये देखिए सामने ये पेड़ दो जग दिख रहे हैं, तो उसी के ऊपर जाना मैंने, और बर्फ भाई बहुत ही भयंकर बर्फ देखिए। ये देखिए नीचे भी, और ये देखिए मेरे पे बर्फ भी लग चुका है, और बहुत ही भयंकर बर्फबारी। तो देखिए छोटा सा मोहल्ला यहाँ पर है, तो घास लगा रखा सामने। तो बाहर भाई अभी कोई नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए बाहर भी नहीं आ रहे।
सभी लोग तो गढ़वाल जो आदमी होते हैं तो उनको भाई यहाँ के लोग, हम पहाड़ों के लोग तो -30-40 डिग्री भी होगा तो फिर भी काम करने के लिए सक्षम रहते हैं, क्योंकि गाय को घास देना होता है तो बहुत ही भयंकर जब बर्फ़ पड़ती है तो लगभग पड़ती है यहाँ पर 6-7 फीट तक कभी पड़ जाती है, तो तब भी जैसे जाना होता है, कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करनी होती है जो पहले से इकट्ठा करके रखा रहता है। तो देखिए मैंने सामने ही जाना है, पहुँच गया हूँ मैं भाई, बहुत ही भयंकर। ये देखिए हाथ भी भाई बिल्कुल ही नीले पड़ चुके हैं, तो ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चलते हैं। तो अभी मैं घर में बैठा हूँ तो यहाँ पर आग जला रखी है और बहुत ही हाथ ठंडे हो गए थे मेरे, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और देखिए हाथ भी ठीक हो गए थे, नहीं तो नीले पड़ रखे थे बिल्कुल ही। देर पहले भाई बहुत ही भयंकर जो बर्फ़ आ रही थी, तो अभी हल्के हल्के पहाड़ों में भी हैं। तो सामने देखिए ये है मोल्टा गाँव, तो ओली के जस्ट वाला क्षेत्र ये दिख रहा है आपको सामने। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर से दृश्य अभी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए अभी बर्फ़ पिघल रही है ऊपर मकान से, तो अभी भी हल्के हल्के से आ रहे हैं, बर्फ़ भी आ रही है, अधिक धूप भी लगी है और भाई बहुत ही सुंदर मौसम है। और अनीता यहाँ पर देखिए बर्तन मांज रही, अभी सफाई कर रही है। तो भाई अभी दिखाएंगे आपको किस तरह का मौसम होगा शाम तक। क्या अभी लगभग शाम के भाई 5 बज चुके हैं और फिर से देखिए बर्फ़ आ रही है, ये देखिए। तो अभी भाई सुंदर सी बर्फ़ आ रही है, अभी आगे जो बर्फ़ आ रही थी वो मोटा मोटा आ रही थी, तो अभी देखिए बिल्कुल बारीक सा आ रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय।